करना है अपने फेस के ऊपर, ठीक है। इस तरीके आईब्रोज से आपको करना है बहुत ज्यादा ये अपलिफ्ट करने में हेल्प करेगा। आपसे पहले अगर स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा आपको एजिंग लाइन दिखाई दे रही है, बुढ़ापा ज्यादा दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि उम्र से ज्यादा स्किन दिखाई दे रही है, तो तीन चीजें आपको रेगुलर तौर पे करनी है। 10 दिन में आपको बहुत ज्यादा अपनी स्किन में चेंजेस नजर आएंगे। क्या करना है देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी स्किन के ऊपर हम पिंचिंग करेंगे। पिंचिंग यानी ऐसे, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हो, आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। आपको पिंचिंग करना है अपने फेस के ऊपर, ठीक है। आईब्रोज को करेंगे इस तरीके से, ये देखिए। इससे क्या होता है कि हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके ऊपर वर्क होता है और हमारी स्किन वापस से जिंदा हो जाती है, उसमें नसों में जान आ जाती है और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। जो भी हम अपने चेहरे पे करते हैं फिर वो आसानी से हमारी स्किन के अंदर हमें दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड करेंगे हम टैपिंग इस तरीके से। अपना हाथ ही की जगह पे रखिएगा और अपने फेस को आपने धीरे धीरे अपलिफ्ट करना है, ठीक है जी। इस तरीके से आपको करना है, ये आपने पूरे फेस के ऊपर टैपिंग करनी है। इससे क्या होगा कि स्किन में और ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज होता है। तीसरा जो स्टेप करना है वो आपने करना है अपनी स्किन को ऊपर की तरफ खींचना है। इसके लिए 2 से 3 स्टेप्स बताऊंगी, जो आपको कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं। पहले आपने क्या करना है, आपने जिस तरीके से हम आईब्रोज कराते वक्त अपना हाथ फेस के ऊपर ऐसे रखते हैं ना, वो सेम चीज आपने नाक के पास में करनी है। दूसरा, आपने हाथ से एक हुक बनाना है और आपने अपनी स्किन को ऊपर की तरफ खींचना है, ये देखिए, ठीक है। ये इस तरीके से आपने करना है और दोनों तरफ करना है, ये देखिए। ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है। तो एक तो ये स्टेप था, ठीक है, जो आप कर सकते हैं। दूसरा स्टेप, हथेली को गर्म करेंगे, इस तरीके से रखेंगे और पीछे की तरफ खींचेंगे। ये भी आप अपनी स्किन को पीछे की तरफ खींच रहे हैं। तो मैं एक ही स्टेप के 3 तरीके बता रही हूँ, जिसमें आप कंफर्टेबल है आपको वो करना है। एक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपने हुक बनाना है अगेन ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ इस तरीके से, ठीक है। ये आंखों के नीचे लेके जाइएगा तो जो पफी आइज की प्रॉब्लम है वो भी आपकी इसी के साथ ही दूर हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। सेम आप करेंगे डबल हुक बना के, चिन वाला जो एरिया है यहां पर आपने करना है, डबल हुक बना के लेके गए और नीचे लेके आए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये करने से ये होता है कि स्किन के ऊपर जितनी भी स्किन आपकी लूज हो रही है उसके ऊपर वर्क होता है। तो ये हुक्स बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, ये देखिए। तो मैंने आपको एक ही एक्सरसाइज के 3 स्टेप्स बता दिए हैं, जिनमें आपको कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हैं। लास्ट वाला ये सबसे बेस्ट बेटर था, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत ईजी रहता है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। होप करूंगी आपको आज की फेशियल योगा क्लास अच्छी लगी होगी। कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताना। बाय।